हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हृदय पूर्वक मेरे चैनल नेहा शर्मा रियल ब्लॉग में। तो आप सब मेरे चैनल पे आइए, पूरा वीडियो देखिए और अपना प्यार आशीर्वाद मेरे चैनल को खूब भर भर के दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को दबा करके ऑल पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाएँ। और ये इवनिंग के टाइम का रूटीन है, शाम के टाइम में बिस्तर लगाना, कपड़े समेटना, झाड़ू, थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं वही काम होता है, तो वही मैं कर रही हूँ। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on. और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो दे रही हूँ, मैं गिलास मांजते मांजते परेशान हो जाती हूँ, इतना गिलास मेरे यहाँ। ये लोग पानी वानी पीते हैं, एक पीते हैं एक रख देते हैं, इसीलिए गिलास ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ संध्या का समय हो चुका है तो मैं दिया बाती कर दे रही हूँ, उसके बाद चली जाऊँगी किचन में खाना बनाने, क्योंकि फिर काम में लग जाओ तो टाइम नहीं मिलता और शाम भी हो चुका था। और ये देखिए घीये की पकौड़ी बनाने के लिए, अब आप तो पता नहीं कैसे बनाते होंगे, सबका तरीका अलग है, मगर हमारे यहाँ इसी तरीके से बनता है, गांव में भी इसी तरीके से बनता है और मैं भी यहाँ पे ऐसे ही बनाती हूँ। तो गोल गोल पतला पतला काट लेना है। गुड इवनिंग गाइस, तो अभी सारा काम हो चुका है, लगभग शाम का जो काम होता है वो ख़त्म हो चुका है। बिस्तर भी लग गया, झाड़ू भी लग गया, थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो भी मैं साफ कर ली, दिया बाती भी हो गया है और अब खाना बनने की तैयारी है। तो खाने में आप लोग पूरा वीडियो में जरूर बने रहिएगा। आज बृहस्पतिवार है तो मैं हर बृहस्पतिवार के दिन कढ़ी पकौड़ा बनाती हूँ, बस अलग अलग तरीके से बना लेती हूँ। तो आज ही बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है। जो बेसन की पकौड़ी वाले जो कढ़ी बनाते हैं ना, उससे तो काफ़ी ही अलग है। और एक बार जब बना करके आप खाएंगे ना, तो जो बेसन की पकौड़ी जो बनाते हैं खाली बेसन की, तो वो बनाना भूल जाएंगे और इसी को बना बना करके खाएंगे। और फिर उसके साथ में बना रही हूँ, थोड़ा मौसम कुछ थोड़ी सी बारिश हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई है, तो पकौड़ी भी बनेगी, घीये की पकौड़ी हमारे यहाँ तो उसको बचका बोलते हैं, गोल गोल काट करके स्लाइस में उसी को बनाते हैं। तो उसकी भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और कढ़ी की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो पूरा वीडियो में जरूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जितना भी हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ और रिलेटिव के साथ, मुझे आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा गाइस, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अभी मैं थोड़ा सा पंखे में आ गई हूँ, मुझे लगा कि मैं। और फिर इधर पानी भी खोल चुका है और पानी में नमक डला हुआ है, तो जैसे ही पानी खोलने लगे तो यहाँ आलू का भी पकौड़ी बनाना है। तो सबसे पहले आलू को डाल देना है इसी में, क्योंकि आलू थोड़ा सा टाइम लगेगा और घिया जल्दी पक जाता है। तो आलू को डालने के बाद एक ही मिनट बाद फिर उसी में घिया डाल देंगे और जैसे ही उबल जाए उसको कढ़ाई से निकाल लेंगे और छान देंगे छन्नी में ताकि पानी निकल जाए। और इधर मैं पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ जो कि कढ़ी में जाएगा, तो उसके लिए दो आलू ले ली हूँ और तीन प्याज है और दो टमाटर है और इन सबको छील करके पानी में डाल दी हूँ ताकि अच्छे से साफ हो जाए और छिलका मैं इकट्ठा करते जा रही हूँ ताकि एक ही बार समेटूंगी। और इन सबको बराबर साइज में छोटा छोटा बारीक बारीक काट लेना है, मतलब एक ही साइज में जिस साइज का प्याज काट रहे हैं उसी साइज में टमाटर काट लें और उसी साइज में आलू भी काट लें। और ये पकौड़ी आप ऐसे भी खा सकते हैं और कढ़ी में काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं तो कम एक बार जब बनाई थी, ये दूसरी बार बना रही हूँ, पहला बार जब ट्राई की थी तो काफ़ी पसंद आया, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख लीजिए इसी तरीके से आलू को भी काट देना है छोटा छोटा करके और टमाटर को भी ऐसे ही काट लेंगे और इसी में हरा धनिया और हरा मिर्च काट लेंगे। और इसको फिर कैसे करना है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और इधर देखिए घिया और आलू भी हमारा अच्छे से उबल गया है, तो इसको अभी मैं पानी में से निकाल दे रही हूँ, नहीं तो अगर गैस बंद भी रहेगा और इसको आप पानी में से नहीं निकालेंगे तो ज़्यादा गल जाएगा, इसलिए निकाल दीजिए।
और एक बड़ा सा कटोरे में मैं ले ली हूँ बेसन, छोटा छोटा कटोरी से 2 कटोरी के करीब बेसन है, और 1 कटोरी उसमें चावल का आटा है, और उसी में अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है, और 1 चम्मच जीरे का पाउडर, आधी चम्मच से भी कम लाल मिर्च का पाउडर, और अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, और जो बारीक कटा हुआ धनिया रखा हुआ है वो डाल दूंगी। और जब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही थी तो उसी में काली मिर्च भी डाल करके पीस ली हूँ, तो वो भी डाल देना है 1 चम्मच। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक अच्छा सा घोल बना करके तैयार कर लेंगे पकौड़ी बनाने के लिए। ये जो घोल बना रही हूँ, जो घी है और आलू की पकौड़ी बनेगा उसके लिए ये घोल है, तो बस इसको भी हल्के हल्के पानी डालते हुए घोल लेंगे, अच्छा सा एक घोल तैयार कर लेंगे, ना तो ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो, इस तरीके से तैयार करेंगे। और आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया हरा मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब मैं एक थाली ले ली हूँ और उसी में टमाटर, प्याज और आलू कटा हुआ डाल दे रही हूँ, और इसी में मैं 3 हरा मिर्च भी मैं काट करके डाली हूँ। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट आधी चम्मच के करीब, और हरा धनिया ढेर सारा, मतलब 1 चम्मच भर के डाल दीजिए, और उसके बाद इसी में स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, और फिर हल्दी का पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ी सी मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर नहीं डालेंगे, तो आधा चम्मच में हल्दी का पाउडर डाल दे रही हूँ, ये देखिए। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है गाइस, एक बूंद भी इसमें पानी नहीं लगता है। अभी आप खुद ही देखिएगा कैसे अच्छे से एकदम मिक्स हो जाएगा, और थोड़ा सा जीरे का भी पाउडर डाल दीजिएगा चटपटा होने के लिए। अगर आपके पास जीरा का पाउडर नहीं है तो जब आप अदरक लहसुन का पेस्ट बना रहे हैं उसी टाइम जीरा उसमें डाल करके और पीस लीजिए। और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा शुरू से लास्ट तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। और अब सारा मसाला डालने के बाद इसमें मैं बेसन डाल दे रही हूँ। बेसन एक ही बार ढेर सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम बेसन डालेंगे, और इसको जैसे आटा कैसे गूंथते हैं उसी तरीके से अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। पानी एक बूंद भी नहीं डालना है, क्योंकि जो टमाटर डला हुआ है और नमक डाले हैं तो उसमें से पानी छोड़ेगा, तो उसी से अच्छे से मिक्स हो जाता है। और जैसे ही हमें लगे कि बेसन कम है, मतलब अच्छे से इसका बाइंडिंग बनना ज़रूरी है, मतलब अच्छे से बंध जाए पकौड़ी बनाने के लिए, उतना बेसन ही हमें डालना है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, खूब बढ़िया से अच्छे से तैयार हो गया। अब इसको मैं रख दे रही हूँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा, पानी छोड़ देता है। 1 ही 2 मिनट के लिए मैं छोड़ी थी, बस खाली किचन थोड़ा सा समेटने के लिए डब्बा वब्बा फैला था, उतना ही में देखिए कैसे गीला हो गया है। और कढ़ाई मैं चढ़ा दी हूँ चूल्हे पे, और उसमें डाली हूँ सरसों का तेल। अगर आप इसको चाहें ना तो तवा पे भी कम तेल डाल करके फ्राई कर सकते हैं, मगर मुझे पकौड़ियाँ भी तलनी थी तो मैं सोची इसको भी तल ही दे रही हूँ, नहीं तो मेरा मूड था कि इसको तवे पे ही फ्राई करके कम तेल में और तब बनाऊँगी, मगर पकौड़ी की वजह से मैं इसको भी तल दी। और फिर इसको पलट देंगे, बड़ा बड़ा ही पकौड़ी बना रही हूँ, क्योंकि कढ़ी में थोड़ा बड़ा बड़ा पकौड़ी देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। और इसी तरीके से मैं तल दूंगी, सारा अच्छे से तलना है, खूब अच्छे से पकाना है, ताकि ये अंदर के जितने भी आलू टमाटर प्याज है सब अच्छे से पक जाए। और ये बच्चे ऐसे ही खाए थे सॉस के साथ, इन लोगों को काफ़ी पसंद भी आया। और फिर इसी तरीके से बाकी के भी पकौड़ियाँ हैं वो भी मैं बना ले रही हूँ, और बनाने के बाद उसके बाद पकौड़ियाँ तलूंगी जो घी वाली है। और ये देखिए ये लोग इंजॉय कर रहे हैं, ऐसे देखने में लग रहा है टिक्की है, और टमाटो सॉस के साथ ये लोग इंजॉय कर रहे हैं। और पकौड़ी भी जो टिक्की वाली थी, मतलब कढ़ी में डालने वाला, वो बन गया है। बस हल्का सा ही मौसम ख़राब हुआ था कल, और बस पकौड़ी का प्रोग्राम बन गया। और कल तो बारिश हुई भी नहीं थी, बृहस्पतिवार के दिन बारिश नहीं है, आज शुक्रवार है तो आज बारिश हुई है हमारे यहाँ, आज सुबह से ही मौसम ख़राब है। तो अब देखिए आज शाम में क्या बनता है, आज का भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। और ये देखिए जो स्लाइस कटा हुआ उबाल कर रखा हुआ था उसको बैटर में अच्छे से डिप कर लेना है, मतलब अच्छे से डुबा लेना है उसको, और फिर उसको डाल देना है डायरेक्ट तेल में निकाल करके। कटोरे को थोड़ा नज़दीक कर लेंगे कढ़ाई के पास ताकि अच्छे से उसमें डाल पाए। और ये देखिए कितना काफ़ी स्वादिष्ट लगता है, अगर आप अभी तक नहीं इसको बना करके खाए हैं ना तो फटाफट जैसे ही बारिश होए
तो बस बहाना मार करके बना लीजिए, और जब खाना इसको शुरू कीजिएगा ना तो पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा, इतना स्वादिष्ट लगता है। और घी का है तो कोई खास नुकसान भी नहीं करेगा। और बात रही तेल की, तो सरसों के तेल में बनाइए, रिफाइंड में मत बनाइए। और ये देखिए कढ़ी बनाने के लिए कढ़ी का घोल भी मैं बनाकर रखी थी, जैसे हर बार घोल बनाती हूँ ऐसे ही। और कढ़ाई में जीरा, तेजपत्ता और मिर्ची और हींग का तड़का लगा करके और बेसन का घोल डाल दी हूँ। और कढ़ी उबलते उबलते 10 मिनट तक खूब उबली है, खूब पकी है। उसके बाद देखिए किस तरीके से चल रहा है, मतलब कढ़ी चल रही है, चल के कहीं जा नहीं रही है, कढ़ाई में ही है, मगर धीरे धीरे उबल कर पक रही है। कढ़ी को जितना ही आप पकाइएगा उतना अच्छा स्वाद होगा। ये देखिए इसके ऊपर मलाई जम गया है, एकदम अच्छे से कढ़ी पक चुका है। तो अब इसमें मैं पकौड़ियाँ डाल दे रही हूँ। अब पकौड़ियों को डालने के बाद पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद आप तुरंत ही इसको चाहें तो उतार सकते हैं, मगर मैं फिर भी आधी मिनट के लिए इसको पकाई थी। और अब लास्ट में एक बार तड़का और लगा दे रही हूँ, जो कि देसी घी का लग रहा है। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच देसी घी ली हूँ और उसमें डाली हूँ थोड़ा सा चुटकी भर हींग। और ये चम्मच में जो आप मिर्ची पाउडर देख रहे हैं ना, ये तीखी वाली नहीं है, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। इससे बस कलर अच्छा आएगा, तीखा नहीं होगा। तो लास्ट में ये वाला तड़का जरूर लगाइए, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। अभी आप खुद ही देख लीजिएगा कितना अच्छा देखने में लगा। और ये देखिए पकौड़ियाँ भी सारी फूल करके तैयार हो चुकी है। तो बस फाइनल तड़का भी लग गया है, थोड़ी सी और पकौड़ियाँ मुझे सेकनी है घी वाली, तो घी वाली पकौड़ी सेक करके बस खाना लग जाएगा। और यहाँ पे मैं सबके लिए खाना परोस दे रही हूँ बस। और तो जैसे जैसे मैं घी की पकौड़ी निकाल रही थी तो सब लोग खाते जा रहे थे, और फिर उसके बाद भी चावल के साथ भी खाए थे। अभी आप लोग थाली में देख भी रहे होंगे, अभी बचा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा भी बन गया था, सुबह के टाइम तक के लिए बच गया था, इतना ज़्यादा था। और यही था हमारा खाना, कढ़ी चावल सलाद पकौड़ी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब जरूर करें।